भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर केस दर्ज। खरगोन हिंसा की फर्जी फोटो पोस्ट करने पर आरोप। इस तरह का संवेदनहीन काम करना बहुत ही अनुचित है। प्रदेश में वो क्या दंगा भड़काना चाहते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि ने मोर्चा खोला। दिग्विजय सिंह अपने विवादित ट्वीट का प्रमाण दें, कांग्रेस के पटखरे में खड़ा ना करें। इस का पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। ट्वीट केस में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी देश में नफरत का एजेंडा चला रही है, प्रेम सद्भाव फैलाना दंगा नहीं होता। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर एक लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। सर, आपको लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का आपके खिलाफ? पूरे देश में आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश में। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा जब उपद्रवियों पर कार्रवाई होने लगी तो दिग्विजय सिंह को पीड़ा हो रही है। उनने जो पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर तब उठते हैं। मध्य प्रदेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर हमलावर हैं, कहा प्रशासन की शय पर हिंसा हुई। मध्य प्रदेश में पुलिस की पूरी इजाजत से सरकार की रजामंदी से वायलेंस होता है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल पर संकट के बादल। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करवाने का जन अभियान चलाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़वानी में हिंसा के बाद अब तक 95 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उपद्रवियों के घर दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज के बुलडोजर ने पकड़ी रफ्तार। बड़वानी के सिंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के आरोपियों के घर पर कल फिर चला था बुलडोजर। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की फिर धमकी दी है, कहा 3 मई तक राज्य सरकार लाउडस्पीकर उतरवा दे नहीं तो हम जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के लाउडस्पीकर वाले बयान पर संजय राउत का हमला, कहा राज ठाकरे अब बीजेपी के लाउडस्पीकर बन गए हैं। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था। जेएनयू हिंसा पर केंद्र सरकार सख्त है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू हिंसा पर रिपोर्ट तलब की। रामनवमी पर कैंपस में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प हुई थी, 6 छात्र जख्मी हुए थे। रामनवमी पर दूसरे राज्यों में हिंसक घटनाओं पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा यूपी में 800 जगह जुलूस निकाले गए, कहीं कोई घटना नहीं हुई, प्रदेश में शांति है, दंगा फसाद की कोई जगह नहीं। 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे, कहीं भी कोई तूतू-मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से राष्ट्रपति को हटाने की मांग तेज हुई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर महाभियोग चलाने और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। पीएम महिंदा राजपक्षे का कहना है कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ चर्चा करने को तैयार। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को भारत से मदद जारी है। भारत से 11,000 मीट्रिक टन चावल लेकर जहाज कोलंबो पहुंचा। खाद्यान्न, दवा जैसी जरूरी सामग्री के लिए तय $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत ये मदद पहुंची है। अमेरिका के दौरे पर हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड के मुख्यालय हवाई पहुंचे, सामने आई तस्वीरें।
न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रो के भीतर स्मोक ग्रेनेड से धमाके के बाद फायरिंग, हमले में 23 लोग घायल, 10 लोगों को गोली लगी, 2 की हालत गंभीर। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा आतंकी एंगल से जांच नहीं। न्यूयॉर्क पुलिस को हमलावर के संभावित हुलिये की जानकारी मिल गई है। हमलावर गैस मास्क और कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़े में था। मेट्रो स्टेशन पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क पुलिस का बड़ा बयान, कहा अभी आतंकवादी घटना के नजरिए से जांच नहीं की जा रही, फायरिंग को लेकर जांच की जा रही है, लोग जानकारी दें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर हमले की जानकारी दे दी गई है। व्हाइट हाउस घटना पर नजर बनाए हुए है। न्यूयॉर्क हमले से भारत की चिंता बढ़ गई है। भारतीय दूतावास न्यूयॉर्क पुलिस के संपर्क में है। हमले वाले ब्रुकलिन इलाके में 30,000 भारतीय रहते हैं। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी इस दौरान अमेरिका में। पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल होने के बाद जनता के बीच जाएंगे पूर्व पीएम इमरान खान, आज पेशावर और 23 अप्रैल को लाहौर में करेंगे रैली। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को बधाई पर आभार व्यक्त किया, कहा भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी रिश्ते चाहते हैं, जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों का हल शांति से निकले। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ चीन के चीफ ऑफ स्टाफ की सद्भावना बैठक, चीनी सरकार की ओर से बधाई दी गई। पीएम बनने के बाद शहबाज शरीफ पहली यात्रा चीन की करेंगे, सऊदी अरब भी जाने की संभावना। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की, देश की मौजूदा गंभीर आर्थिक संकट पर विस्तार से चर्चा हुई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर स्वदेश लौटेंगे, शहबाज ने पासपोर्ट जारी करने के दिए आदेश, सूत्रों के मुताबिक सजा की वजह से पहले जेल जाएंगे नवाज। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ नई शहबाज सरकार का पहला बड़ा एक्शन, विदेश से तोहफे में मिली कार मामले की जांच शुरू, इमरान पर तोहफे बेचकर पैसे हड़पने का आरोप। कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल की संदिग्ध मौत, मंत्री ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज, सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा मामले की गहराई से जांच कराई जाए। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं पर ईडी का शिकंजा, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद पवन बंसल से ईडी ने पूछताछ की। मुंबई में कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने अपने ही सरकार के मंत्री अनिल परब पर सवाल उठाए, घोटाले में अनिल परब और शिवालिक बिल्डर के रिश्ते के आरोप, अनिल परब शिवसेना के कोटे से मंत्री हैं। शायद से हजारों लोगों की जो चाबियां है वो आपके ही घर पे होगी, आपकी इतनी जो गहरा रिश्ता है शिवालिक वेंचर्स के साथ, शिवालिक डेवलपर्स के साथ, उनको पूछिए कि ये लोगों के साथ इतने सालों से अन्याय क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले में गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल का विरोधियों पर बड़ा आरोप, बोले संजय राउत का 60 दिन और नेता एकनाथ खड़से का 67 दिन तक फोन टैप किया गया। राउत जी का फोन 60 दिन के लिए टैप हुआ था और खड़से साहब का फोन 67 डेज के लिए टैप हुआ था। महाविकास आघाड़ी की सरकार जब भी बन रही थी तो जब भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उस टाइम के इंटेलिजेंस के लोगों ने ये फोन टैप किए थे। बीजेपी नेता किरीट सुमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आईएनएस विक्रांत फंड मामले में किरीट और उनके बेटे की अग्रिम जमानत रद्द, पुलिस किरीट सुमैया की तलाश में जुटी है। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, निचली अदालत से खारिज हो चुकी है अर्जी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हासखाली में नाबालिग से रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच का आदेश दिया, 2 मई तक मांगी प्राथमिक रिपोर्ट, रेप के आरोप में टीएमसी नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ। नाबालिग से रेप पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सियासी संग्राम, ममता ने कहा नाबालिग से रेप की पुष्टि कैसे कर सकते हैं, बीजेपी ने बयान को बताया शर्मनाक। जो प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में, उसकी सरकार के संरक्षण में क्राइम और क्रिमिनल क्लस्टर बन गया हो, वहाँ पे इसी तरह से बेहुदा बेशर्मी से भरपूर जघन्य अपराध होते रहेंगे और तृणमूल कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती रहेगी, उसको संरक्षण देती रहेगी।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक और छात्र कोरोना पॉजिटिव। स्कूल में अब तक कुल 6 छात्र कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2 स्कूल बंद करने के बाद जयपुरिया स्कूल भी बंद किया गया। तेल की बढ़ती कीमतों की मार, मार्च में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.95% हुई। खाने पीने की चीजों के सबसे ज्यादा बढ़े दाम। महाराष्ट्र में सीएनजी 5 रुपए बढ़कर 72 रुपए किलो हुई। पीएनजी की कीमत भी 4.5 रुपए बढ़कर 45.50 रुपए पर पहुंची। नई दरें आधी रात से लागू। यूपी के कुशीनगर में नाव से खेती करने जा रहे 10 लोग नदी में डूबे। मौके पर 7 लोगों को बचाया गया, 3 लोग अब भी लापता। सालिकपुर चौकी के पास नारायणी नदी में ये दुर्घटना हुई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हादसा। सेक्टर 70 की एक दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी। एलपीजी सिलेंडर में शराब भरकर हो रही है डिलीवरी। 50 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा गया तस्कर। 12,000 के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी के करीबी सुभाष परब को मिस्र से भारत लाया गया। हरियाणा के सोनीपत में दिनदहाड़े 12,000 के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी के करीबी सुभाष परब को मिस्र से भारत लाया गया। कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।